हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। आज के इस वीडियो में मैंने फरवरी मंथ सन 2019 में होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो पिछले कुछ महीनों में पूछे गए हैं। और बताने से पहले बता दें, यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जो मैं हर एक वीडियो में देता रहा हूँ और देता रहूँगा कि लाइनक्स से क्या है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1991 यानी सन 1991 ईस्वी में लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा क्रिएट किया गया था। यानी लाइनक्स एक क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सन 1991 ईस्वी में लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा खोजा गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। यानी कि जो भी फ्रेंड फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं ट्रिपल सी का, उनको इसका यूज़ मिल सके। इसमें मैंने उन क्वेश्चन को केवल अपलोड किए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पिछले महीने पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, उस लिस्ट को जो पिछले दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के यूआरएल को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब आप नेट यूज करते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, तब जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो आपके ब्राउज़र पर सेव हो जाती है, तो उसे हम कहते क्या हैं जहाँ पर सेव होती, तो वो होता है हिस्ट्री लिस्ट। यानी आपके हिस्ट्री लिस्ट में ब्राउज़र पर जो चीज़ अगर खोजी जाती है, जो वेबसाइट डाली जाती है, वो आपके हिस्ट्री लिस्ट में सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे गूगल क्रोम ओपन हुआ है, यहाँ टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे थ्री बटन दिख रहे हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है हिस्ट्री दिख रहा है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हाल ही में जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्च की गई होती हैं, जो भी हमने सर्च किया है, वो सब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चाहे देख भी लिख दीजिएगा आप, जब भी वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे, जितनी भी चीज़ें आप सर्च करते हैं ये पिछले महीने में, जस्ट दिनों में, वो सब यहाँ पे हिस्ट्री लिस्ट पे आके सेव हो जाता है। यहाँ पर हिस्ट्री लिस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल यूज होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर बता दें 0 से 15 तक होता है और इसका बेस जो होता है 16 होता है। यानी हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है और 0 से 15 तक का होता है। और इसे हम डिनोट जो करते हैं 0 से 9 तक तो चलता है, फिर इसके बाद 10 से लेकर 15 तक ए से एफ दिखाता है। यानी 0 से 9 और ए से एफ सही होगा, 0 से 9 तक होता ही है। इसके बाद 10 से लेकर 15 तक जो होता है ए बी सी डी करके होता है, यानी कि 10 का ए, फिर 11 का बी, ऐसे होता है। यानी कि लास्ट 15 का जो होता है वो होता है F। तो ऐसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट जो डिजिट होता है उसका कोड क्या है, तो F होता है। अगला है, लाइनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बता दें लाइनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी पहले बता चुके हैं इसको 1991 ईस्वी में खोजा गया था, हमने पहले शुरुआत में बताया है, देख लीजिएगा, टोटवाल द्वारा। और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। यानी कि मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, इस पर एक साथ कई काम किए जा सकते हैं। अगला है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शॉर्टकट। यानी जो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक की शॉर्टकट की होती है, उसे की शॉर्टकट क्या होती है, तो होती है F7। अगला होता है यूजनेट फुल फॉर्म। यूजनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका होता है यूज़र नेटवर्क। अगला है, इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आज के दौरान किए जाने वाले शिष्ट व्यवहार को क्या कहते हैं। यानी कि इंटरनेट पर जो सूचनाएं भेजते हैं जिसमें रिस्पेक्टफुली वर्ड या जितने भी अच्छे वर्डों का यूज करते हैं, मतलब कोई वल्गरिटी ना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर भाषा में कहते हैं नेटिक्यूट। यानी कि और इसे इंटरनेट एटिक्यूट भी मिल सकता है आपको, इंटरनेट एटिक्यूट या इंटरनेट नेटिक्यूट। इनका मतलब होता है इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने दौरान शिष्ट व्यवहार यानी कि पोलाइटली वर्ड यूज करना। अगला है, इंटरनेट पर लिखे गए या भेजे गए अपशब्द। यानी इंटरनेट पर जो आप यहाँ पे अपशब्द वाली बात आ जाती है, मतलब कोई गलत वर्ड लिख जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका होता है फ्लेम।
अगला है ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कहलाता है। कोई मेल भेजते हैं तो जैसे हम खुश हैं तो स्माइली लगा देते हैं, तो उसके लिए होता है इमोट आइकन जिसे बोलते हैं इमोशन आइकन, यानी कि आइकन थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को दर्शाएं कि हम गुस्सा हैं या खुश हैं। तो जो स्टिकर लगाए जाते हैं उसे हम इमोशन आइकन या फिर इमोट आइकन बोलते हैं। अगला है ईमेल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, यानी ईमेल में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो होता है 15 GB तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है कि ईमेल से कोई फाइल कितने साइज की अटैच कर सकते हैं, यानी ईमेल से हम कितनी बड़ी फाइल भेज सकते हैं, तो आपकी 20 MB तक की फाइल को हम सेंड कर सकते हैं। और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था तो इसमें होगा 15 GB, यानी ईमेल में 15 GB तक डाटा स्टोर हो सकता है, और कितने साइज तक का डाटा सेंड कर सकते हैं, तो 20 MB तक का डाटा सेंड कर सकते हैं। अगला है ईमेल ram.3@gmail.com सही है, तो बता दें कोई भी ईमेल आईडी उसमें एक से अधिक डॉट नहीं होते, यानी ये होगा फाल्स, यानी ये सही ईमेल नहीं है। अगला है विच इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो हम बता दें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे एक ही यूजर वर्क कर सके वन टाइम, तो आपका होता है MS DOS। और जो विंडोज होता है, विंडोज जितने मॉडर्न एज में विंडोज XP विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, वो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है, और MS DOS जो होता है सिंगल टास्किंग होता है और सिंगल यूजर इस पे वर्क कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा MS DOS, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सिंगल टास्किंग भी, यानी वन टाइम एक ही प्रोग्राम हम इस पे रन कर सकते हैं। अगला है इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका CUI, एक होता है GUI। CUI मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि जो MS DOS है उस पे कमांड का यूज करते हैं, माउस और इमेज फाइल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो GUI होता है, यानी कि जो विंडोज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मॉडर्न एज में यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है ईमेल OSI मॉडल में किस लेयर पर वर्क करती है, तो ईमेल का काम होता है ट्रांसफर करना, ईमेल सेंड करना, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत। इसमें प्रोटोकॉल जो यूज होता है यहाँ पर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और प्रोटोकॉल कौन यूज होता है SMTP, यानी ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल SMTP का हम यूज करते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत वर्क करती है। SMTP काम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अगले वीडियो में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, जो आने वाले आपके CCC एग्ज़ाम के लिए मदद करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पाने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पे CCC का एक फोल्डर है, उसी में आपको ढेर सारे टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू टू ऑल।